वेलकम बैक टू माफिया 3। ये है उसका पार्ट नंबर 9। एंड जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने स्मैक का धंधा सारा बंद करा दिया हॉलो में, एंड हमने उसके बॉस को भी टेक ओवर कर लिया। यस, हमने उसको अपने टीम में कर लिया था। दोस्तों, आज हम वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेट्स गो। तो अब हम मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रे ऑन दी वे अप, किल रिची डूसेट। तो ये बंदा जो है वो बॉस है, यहाँ पूरे हॉलो का बॉस है। मतलब डिक्सी माफियाज ने हॉलो पे कंट्रोल कर लिया है, उसका बॉस है। कैसेंड्रा इसी से बदला लेना चाह रही थी, इसी को हटाना चाह रही थी। तो हमने सारे बिजनेसेस बंद किए इस एरिया के, एंड अब वो बाहर आ गया है। तो अब उसका ये क्या भाई, ये हवा में कैसे उड़ रही है? ये ऐश ट्रे और दारू की बोतल हवा में कैसे उड़ रही है? ओह शिट, पुलिस वाले तो सामने ही रहे मेरे। ओके भाई, अजीब सी चीज़ें चल रही हैं इस हॉलो में। पुलिस वालों, मैं तो बस उनको हटाने की कोशिश कर रहा था, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो हमें कैसेंड्रा से जाके मिलना है, उसके पास इन्फो है कुछ डूसेट के बारे में। गली में से चलते हैं, पानी में कूद जा भाई। आई होप मगरमच्छ नहीं है अंदर। ओ शिट, पुलिस वाला ऊपर ही है। लेकिन ऊपर चढ़ने की जगह कहाँ है यहाँ से? अरे मैं डूब ना जाऊँ, बचा लो कोई, चढ़ जाओ ऊपर। मतलब इतना भी वॉल नहीं जंप कर सकता ये। अरे बस, ओ कूदा, पानी के अंदर कूद गया कोई। ये हो क्या रहा है भाई? लगता है पुलिस वाले सब जगह ढूंढना चाह रहे हैं हमें। पानी के अंदर ही घुस गया वो। अरे वो बंदा गया कहाँ जो पानी में कूदा था? गायब कहाँ हो गया वो? बोट के नीचे तो नहीं डूब गया? अरे बॉस कहाँ हो? आवाज़ें तो आ रही है कहीं से उसकी डूबने की। गया भाड़ में बेचारा, डूब के मर गया। जो भी था, शायद सुसाइड ही करना चाह रहा था। तंग आ गया मैं इस हॉलो में रहते रहते, इतने गुंडे, इतने सारे रैकेट्स। बारिश बड़ी तेज़ हुई है, सब छाता लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। भाई कैसेंड्रा कहाँ है? इसका वुडू हाउस भाई, बड़ी डरावनी है ये कैसेंड्रा। भरोसा नहीं होता इस पर, कौन सा काला जादू कर दे हम पे। एंड ये कौन है? कैसेंड्रा के लिए काम करते हो तुम? नहीं, मैं चला अंदर भाई, बारिश बड़ी तेज है। कैसेंड्रा, ये तो अभी से चाकू की धार तेज कर रही है। ये किसको पकड़ लिया? ये कौन है? This man's name is Jesse. We were just having ourselves a little conversation about Richie Doucet. Listen, I ain't done nothing, you hear? I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and she grabbed me, is all. You a Dixie Mafia? No. Yes. I mean, shit. I did it for the money, you hear? I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Doucet? He's out at the abandoned amusement park to the west of here. Banned Saturdays? What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. No, no, please. No, I ain't done nothing to y'all. No, please, I'm begging you. My mama, my papa. छोड़ दिया बेटे, आज छोड़ दिया। भगले भगले। तो रिची के बारे में हमें काफी पता चल गया। He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. तो किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाके छुपा है ये बंदा। अभी बाहर निकालता हूँ इसको। Killing Richie, you have taken over the smack and prostitution rackets. हमने सब चौपट कर दिया उसका बिजनेस। तो अब वो बाहर आया। Dixie Mafia are out of their holes. तो भाई हिटिंग मार्कानो, दिस इज हाउ यू विल गो आफ्टर मार्कानो, बाय अनकवरिंग एंड सीजिंग कंट्रोल ऑफ हिज क्रिमिनल रैकेट्स। तो धीरे धीरे करके हमें सारे रैकेट्स बंद करने हैं, उनके लेफ्टिनेंट्स, उनके कैप्टन्स, सबको कन्फ्रंट करना है। या तो मार दो या तो अपने टीम में ले लो। यही है एक तरीका मार्कानो से बदला लेने का। फुल बदला लेंगे भाई, तड़पा तड़पा के। प्रे ऑन द वे, किल रिची डूसेट, गो टू बैरन सैटरडे।
तो बैरन सैटरडे एक कार्निवल है, अम्यूजमेंट पार्क जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। विटनेस ने मुझे देख लिया। हट जाओ पुलिस को बुला रहा है, पुलिस को बुला रहा है वो। मरी भी नहीं, फोन भी उसने दीवार में लटका दिया। भाग लो बेटा, पुलिस ने हमारी ले ली है। भग लो, थोड़ा बहुत छुपना पड़ेगा पुलिस से हमें। हट जाओ रास्ते से। वाओ, तहस नहस कर दी भाई गाड़ी में, उड़ा दी मैंने गाड़ी। तो जितने सब भी जॉर्जी के अंडर काम करते हैं काफ़ी डरे हुए हैं वो लोग उससे। वो सबसे बदला ले रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसका बिजनेस अब हम लोग ठप कर रहे हैं, तो वो अपने जो उसके अंडर काम करते हैं लोग उन्हीं को डरा रहा है, उन्हीं को धमका रहा है, उन्हीं को मार रहा है। साइकोपैथ हो चुका है ये जॉर्जी भाई, पता नहीं किस कब किसको धोखा दे दे, कब किसको मार दे। कहाँ है ये रिची का बच्चा, निकल बाहर। अम्यूजमेंट पार्क पे तो हम पहुँच गए, पूरा बंद पड़ा हुआ है, कब से नहीं चला ये, ख़त्म है ये, बना भी नहीं है पूरी तरह। या उई, ये तो पानी में डूबा हुआ है आधे से ज़्यादा, या तो बारिश इतनी तेज़ हुई है यहाँ पे कि सब कुछ डूब गया है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम तो इनका अच्छा है नहीं। बैरन सैटरडे फन पार्क, भाई फन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे, जाऊँ कहाँ से अंदर। ये रहा रास्ता, ग्रेट, चढ़ जाओ भाई। पूरा अड्डा बना रखा होगा एंड बहुत लोग होंगे इसकी, ऑब्वियसली बात है, सिक्योरिटी फुल टाइट होगी। फाइंड रिची, ये क्या हुआ, अचानक से बिजली कड़की, सब अंधेरा क्यों हो गया, रात क्यों हो गई, ये चमक क्यों रहा हूं मैं। I got a bad sense about this man. Richie needs to work his shit out with Georgie. Well, he ain't got no fucking choice, cause if he don't, we fucked like your mama on prom night. For sure, ma'am, for sure. Well, better get back to it before Bobby starts hollering again. All right then. Watch your ass down there. तो रिची और जॉर्जी के बीच में पंगा हो चुका है, इसलिए ये थोड़ा डरे हुए हैं सब लोग कि कभी भी जॉर्जी साइकोपैथ आके हम सबको ना उड़ा दे। ये ले बेटा, यहाँ पे बैठ के ये लोग चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ, स्नाइपर्स नेस्ट बना रखा है यहाँ पे उनने, स्नाइपर राइफल दिख रही है मुझे एक सामने। एंड हमने अपनी डीएलसी वेपन ड्रम वाली ये मशीन गन निकाल रखी है, वैसे ज़रूरत पड़ी तो सबको छल्ली कर देंगे हम। दो लोग नीचे आग के पास खड़े हुए हैं, हाथ सेक रहे अपना। टाइम फॉर सम एक्शन, स्नाइपर राइफल एक्शन बेटा। बस दो ही लोग हैं इसके इस एरिया में, और कहाँ हैं, आगे होंगे काफ़ी। लेकिन अगर मुझे जंक्शन बॉक्स मिल जाता ना यहाँ का, तो मैं सीधा सीधा सब कुछ हैक कर लेता इनका, एंड मुझे सारी लोकेशंस पता चल जाती। स्नाइपर राइफल, बूम, टू डाउन, एक साथ। आए बेटे भागते हुए आए लोग। अबे ये जोकर की आवाज में कौन बोला? अबे जोकर की आवाज में क्यों बोल रहे हैं लोग? बूम, बेटे स्नाइपर राइफल एक्सपर्ट हूँ मैं यहाँ पे। पांच और बुलेट्स हैं मेरे पास, कहीं से चली गोलियाँ। कौन मारा हमें? नीचे चलते हैं अब। हाँ, कूद जा, यहीं से कूद जा, सही, सीढ़ियाँ सामने ही है, कूद जाएगा। लेकिन ये अरे बड़ा सातर इंसान, आवाज़ तो आ रही है मुझे कहीं से, लोग दिख नहीं रहे मुझे कहाँ पे, कोई तो चल रहा था यहाँ पे। बुरा, आ जा, बूम, पेट में दिया इसके तो सीधा। ओ शिट, सामने ही है मेरे बिल्कुल। बाहर निकल। AI बस इनका छुपा ही रहता है काफ़ी ज़्यादा। हेडशॉट, थोड़ा सा सर बाहर निकाला इसने। ही इज़ डाउन, ये तो सामने खड़ा हो गया मेरे। ओ भाई, शॉटगन लेके आया। दो शॉट लग गए इस गधे पे। एक आखिरी बुलेट है मेरे पास, एक ऊपर छुपा हुआ है ये बंदा, ये ले। कवर से निकले तो गए काम से बेटा, कवर से निकले तो गए।
एंड अचानक से पूरे अम्यूजमेंट पार्क की लाइट्स ऑन हो गई। अजीब सी जोकर वाली आवाज़ों में हमें धमकियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, आजा ब्रिंग ऑन दी फाइट एंड ऑल। आई थिंक सबको मार दिया मैंने। क्रेजी गेटर राइट। Hey, if you're one of those adventurous types, I'd want to head over and meet the meanest gators this side of the bayou. Oh, yeah, 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 yeah. भाई साहब निकाल लो भाई अपना मोल्टोव। ब्लाइंड फायर, ब्लाइंड फायर, ब्लाइंड फायर। अरे वाट लगा दी, हील कर, हील कर, इंजेक्शन मार। रीलोड क्या कर रहा है? बड़ा बेवकूफ इंसान है। आग लगा दी, आग लगा दी। ये तो क्या, तू मेरे पे आग लगाएगा? ले फिर, ये तो जल के बुन जाएगा। अब बिल्कुल अंदर फेंका मैंने उसके, बिल्कुल अंदर। जल जा बेटे, जल जा, बारिश भी नहीं बचा पाएगी तुझे, समझा? बाहर निकल रिची। भाई ये डरावने काम क्यों कर रहा है? जोकर का भतीजा है क्या ये? Welcome to the pool, Rattler. He must rest in peace going on here. Seriously? इनको भी पता है इनका बॉस पागल है बिल्कुल। कितना गंदा एम है भाई, दीवार पे गोलियां मार दी इसने चढ़ा के। मोल्टोव भी फोड़ा मैंने इनका, दो लोग एक साथ, डबल किल। भाई कवर ले ले, क्यों नहीं ले रहा कवर चमन भाई? इसके छोटे मोटे टट्टू तो बहुत सारे हैं, सही सा गैंग बना रखा है इसने बिल्कुल। हेडशॉट ब्लाइंड कवर से, वो भी आया ऐसा। ये ले बेटा रिवॉल्वर इन योर एस। आ रहे भाई सब मशीन गन्स और शॉटगन लेते हुए ऐसे भागे आते सामने से। ये ले। अबे इनको लगता है जॉर्जी ने भेजा है, लगता है कुछ बड़ा ही पंगा हो गया जॉर्जी और रिची के बीच में। छुप जा भाई, छुप जा, इसको तो सामने जाके मारूंगा मैं। निकल, आजा आजा। अबे वहाँ नहीं हूँ मैं, तेरे पीछे हूँ भाई, यहाँ पे, यहाँ पे। ये ले, दे गर्दन के अंदर चाकू, ब्रूटली टेक डाउन। और कोई हाँ, कहाँ है तुम्हारा ये ठरकी बॉस? बाहर निकालो साले को। एक तो अम्यूजमेंट पार्क ऐसा है, कंफ्यूज कर रखा है इन लोगों ने। ये ले बेटा शॉटगन लेके आया। बेटा मशीन गन मेरे पास भी है सही सी। एग्जिट, अरे लेकिन है कहाँ एग्जिट? ओके सही रास्ते पे हूँ मैं, बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ। सामने लोग हैं, शो योर सेल्फ। ये लो मैसेज भेजा है मैंने अपना। इतनी ठंड के मौसम में थोड़ा गर्म रहो भाई, आराम से रहो, हमारी ग्रीटिंग्स तुम्हारे साथ है। अरे ये तो ऊपर से चलते गया, ये भी गया। बूथ के अंदर से ही मारा मैंने इसको, बूथ के अंदर से ही। भाई फोर्स है इसके पास तो, पूरी आर्मी है। छल्ली छल्ली बेटा छल्ली। अबे जॉर्जी का आदमी नहीं हूँ मैं, लिंकन हूँ मैं, लिंकन। सुना नहीं मेरे बारे में? तुम्हारे बॉस मरने वाला आज, पप्पू साले। बूम लेवल, अपना मोल्टोव अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए। बूम बूम, इंजेक्शन ठोक ले, अब ठोक दे। Yeah, yeah, confections for an ice cold huckabuck. Oi. Ooh, wee,
ओप्स मॉल्टोव फेंके जा रहे हैं मेरे ऊपर. आ गया बेटा ये आ गया. बैक ही इज डाउन. शॉटगन वाले काफी खतरनाक है. भगे आ रहे हैं. ले भाई खुश मॉल्टोव फेंकोगे मेरे ऊपर. अबे अपने बॉस को भेजो. क्यों मर रहे हो उसके लिए? वो तुम्हारी चिंता भी नहीं करता. बूम भाई इसकी टीम्स तो आए जा रहे लोग. अच्छा ऐसा तुझे लगता है बेटा. एमो अप. अरे ये मस्त है. जैसे ही मोल्टोव फेंकने जाता है कोई उसको गोली मारो उन्हीं के ऊपर मोल्टोव. दोनों एमो खत्म. मेरी दोनों बंदूक की एमो खत्म. अबे कोई तो दे दो मुझे कुछ. कुछ तो मिला मुझे. इस तरफ छुप जा बेटा. अपनी गांड मत दिखा उनको. गन को इधर से उधर स्वे करने में इतना टाइम लेता है ये. इसकी भी बुलेट्स खत्म. भाई बुलेट्स की कमी कैसे हो रही है इतनी. आया मशीन गन वाला. स्टे डाउन बेबी स्टे डाउन. दे दे अपनी मशीन गन मुझे. पॉपकॉर्न के पीछे छुपेगा. पॉपकॉर्न के पीछे छुपेगा. अभी भी मरा नहीं है. तड़प रहा है बेटे. वैसे ही मर जाएगा तू. ले खुश रह. तुझे मुक्ति दे दी मैंने. मुक्ति. अभी इसने हॉन्टेड हाउस के अंदर बुलाया गया मुझे. बेयू बीस्ट. द कर्स ऑफ बेयू बीस्ट. अरे सही में इसने हॉन्टेड हाउस के अंदर बुलाया मुझे. भाई ये डरावना आदमी है बड़ा. वैसी जोकरों की आवाज़ में बोल रहा है. रेडी हो जाओ भाई एक डरावनी राइड के लिए यहाँ पे. चेस डाउन रिची. एक गोली नहीं लगी इस साले को. अब इसकी एमो ही खत्म है. ले भाई गांड में. ये कैसा डरावना है. अम्यूजमेंट पार्क है तुम्हारा. हाँ इससे डराने की सोच रहे हो तुम लोग मुझे. कहाँ भागा ये रिची का बच्चा. इधर चाहिए मुझे शॉटगन. भागेगा साले. भाग जितना दूर भाग सकते हैं. तेरी मौत आई है. क्रोकोडाइल्स भूत. एक तो रास्ते भी समझ नहीं आ रहा है. इतना अंधेरा हो रखा है यहाँ पे. अबे डरना है क्या मुझे इनसे. गधे. कैसा आदमी है. कवर ही नहीं लेता. और ऊपर से वहां से इतनी बड़ी मशीन गन से चला रहा है वो गोलियां. बकवास है. ओ भाई साहब भूतनी के. ओ आया बॉल शॉट. थैंक यू. आई टेक द शॉट गन. सिर्फ 3 बुलेट है इसके अंदर. ये कैसे शॉटगन लेके आया भाई तू. तुम्हारे बॉस तुम्हें क्या एमो नहीं देता क्या. कन्फ्रंट रिची डूसेट. रिची ये कौन है. बूम. जो भी है ही इज डेड. 2 ऑफ देम आर डेड. ओके आखिरी फाइट के लिए रेडी हो जाओ रिची. अम्यूजमेंट पार्क के साथ यू आर गोइंग डाउन. ये राइड इतनी फ्लॉप थी. शॉटगन वाला है. मेरे पास एमो ही नहीं है. भाग भाग वो रीलोड कर रहा है. ये ले चाकू. अभी भी एमो नहीं आया. ये क्या हो रहा है भाई. ये लोग खुद 0 एमो लेके घूम रहे. शिट. बूम. कम ऑन. इतना फॉग किसने मारा है यहाँ पे. ऊपर से मार रहा है गोलियां. चुप 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 चुप. No right to it. But if you looking to get dead, then come the fuck.
आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, तुझे ही मारने आ रहा हूँ मैं, ऊपर ही चढ़ के मारूंगा तुझे। कहाँ है ये, कहाँ है, कहाँ जाके छुपा है तू? अम्यूजमेंट पार्क में छुपेगा, ये क्या है? गोलियां तो चला रहा है कुछ। ले भाई, बूम बूम। अबे इसके टट्टू भी है यहाँ पे। ओह शिट, जल्दी ठोक, जल्दी ठोक, ये ले आग के गोले, बूम। तू भी ले, बूम। ये ले भाई, अब ये बंदा अकेले बचा रही थी। ले रिची, मुंह पे शॉर्ट गन, ही इज डाउन, ही इज डाउन। रो रहा है, बता अब काम करेगा मार्क कानो उसके लिए काम करेगा हा? सुन भाई, ये तो फुल नशे में, क्या हो रहा है इसको कुछ नहीं पता, घसीट लिया जा रहा है इसको। Need to run this through, boy. You think you can come in here and steal my heroin without nobody noticing? I'm not here to steal your heroin, Richie. I'm here to make you pay for what you did to Sammy and Ellis Robinson. I didn't have nothing to do with it! I watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. Oh, God damn it! None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. यही था वो कमीना जो बैग में क्या था। Either that or make sure that I was dead. Oh no, no, no. अब जिंदा बच गया ना ये लिंकन, सबसे लेगा बदला। Please, listen, listen. Just decent thing would be that a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up. लटका दिया भाई, रिची को तो लटका दिया हमने। एलिस को मारा इसने चाकू घुसा घुसा के मेरे आंखों के सामने। जस्टिस, रिवेंज, रिवेंज। झूलता रे। When I saw Richie Doucet hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. You mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him. Kill Richie Doucet, mission complete. तो भाई अपना लिंकन भी CIA ट्रेंड है, वो जानता है कैसे लोगों को डराना है, कैसे मन में सबके भय डालना है। भाई ऐसे ऐसे लोग बाहर निकलेंगे अपने अड्डों में से। सैल मार्कानो, तेरे तरफ आ रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, आई होप आप लोगों को मज़ा आया। प्लीज़ दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें फॉर मोर, मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आज का एग्जीक्यूशन कैसा था। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विथ मोर माफिया 3, तब तक के लिए बाय बाय।